a pleasant good morning to all of you today we will revise chapter 7 Glimpses of india as you know this chapter includes three stories about goa kurg and assam now i am going to revise you some important questions from all parts look at the first question that is from the first part a baker from goa written by lucio rodriguez हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ अ बेकर फॉर अ गोआन विलेज कि गोआन विलेज के लिए बेकर कितने इम्पॉर्टेंट है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अ बेकर और अ पैडर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ गोआन विलेज क्लियर कि एक बेकर को पैडर भी कहा जाता है और यह गोआन विलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज एवरी सोशल एंड रिलीजियस सेरामनी ओवर हेयर रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट बेकरी आइटम्स की कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है या सोशल सेरेमनी है वो जब तक बेकरी आइटम्स नहीं होती है वो कम्प्लीट नहीं मानी जाती नो मैरिज गिफ्ट कैन बी गिवन विदाउट इंक्लूडिंग अ स्वीट ब्रैड नॉन एज बॉल कि जो मैरिज गिफ्ट होते हैं उनके अंदर भी स्वीट ब्रेड को इंक्लूड करना एक नेसेसरी माना जाता है कंपलसरी माना जाता है और उसे बॉल के नाम से जाना जाता है उस स्वीट ब्रेड को क्या कहा जाता है बॉल क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स नेसली रिक्वायर केक्स एंड अ स्पेशल बेकरी आइटम कॉल्ड बॉल कि क्रिसमस पर या अदर फेस्टिवल पर जो बेकरी आइटम यूज़ की जाती है उनको क्या कहा जाता है बॉल एवरी मदर हैज़ टू प्रिपेयर सैंडविच एट द टाइम ओ फर डॉटर्स अंगेजमेंट और ब्रॉटर की अंगेजमेंट के टाइम में एवरी मदर सैंडविचेज प्रिपेयर करती हैं सिमिलरली अ पार्टी और अ फेस्ट लोजेज एर्ट्स चाम विदाउट ब्रेड कि जैसे कि कोई पार्टी है या कोई फेस्ट है ठीक है कोई डिनर है वो अपना चाम खो देता है विदाउट ब्रेड की कि जब तक उसमें ब्रेड आइटम नहीं होती हैं किसी भी डिनर पार्टी में तो उसको कम्प्लीट नहीं माना जाता बिसाइड द डेली लाइफ साइकिल ऑफ अ गाउस होल्ड बिगिन विद द अराइवल ऑफ़ अ बेकर इसके अलावा जो गोवा के लोग हैं उनका जो डेली रूटीन है डेली लाइफ साइकिल है वो बेकर के अराइवल से ही शुरू होता है हिज म्यूजिकल जेंग जेंग अवेक्स चिल्ड्रन फ्राम स्लिप अब वो उनके अराइवल से कैसे शुरू होता है कि जैसे वो जेंग जेंग का साउंड करते हैं बच्चे नींद से जाग जाते हैं एंड दे रश टू मीट एंड ग्रेट हीम और उससे मिलने के लिए उन्हें ग्रीट करने के लिए विश करने के लिए दौड़ कर जाते हैं ही इज़ लाइक अ फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड टू दैम वह उनके गाइड हैं कम्पेनियन है और फ्रेंड हैं ही विजिट्स इज क्लाइंट्स एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड द चिल्ड्रन एक्साइटली चूज देयर ब्रेड बैंगर्स फ्राम हिज ह्यूज बास्केट और जब वो उनके विज़िट करते हैं दो बार दिन में तो बच्चे क्या करते हैं उनके ह्यूज बास्केट से ब्रेड बैंगल्स ख़ुद चूज़ करते हैं द अकाउंट्स ऑफ स्टफ बॉट फ्रॉम हिम आर मैंटेन्ड ऑन सम वॉल ऑफ द हाउस विच मार्क्स हिज प्रजेंस ऑल द टाइम जो अकाउंट्स हैं उनकी ब्रेड का वो सब वो कहाँ मेंटेन करते हैं हाउस की वॉल पर his peculiar ड्रेस एंड प्लम्प फिजिक आर सच स्ट्रोंग एलिमेंट्स ऑफ identity दैट एनी person bearing हिज appearance is कॉल्ड अ पैटर कि उनकी जो पिक्युलियर ड्रेस होती थी और प्लम्प फिजिक यानी कि थोड़ा मोटा ताज़ा जो उनका शरीर होता था फिजिक होती थी तो वो स्ट्रोंग एलिमेंट है उनकी आइडेंटि का और इसी तरह की किसी पर्सन को जब देखा जाता था प्लम्प फिजिक्स के साथ तो उसे क्या बुलाया जाता था पैटर लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन That is from the second part, Kurg, written by Lokesh Abrol. Where is the Kurg situated? How does Lokesh Abrol describe the natural beauty and the people of Kurg? Answer of this question Kurg is situated halfway between Mesur and coastal town of Mangalore on the western Ghats of southern India. कुर्ग सदर्न इंडिया के वेस्टर्न घाट पर मैंगलोर के कोस्टल टाउन एंड मैसूर के बीच में सिचुएटेड है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका द ऑथर इज़ सो फैसिनेटेड बाई इट्स ब्यूटी दैट ही कॉल्स कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड कि जैसे कि इसे गॉड के किंगडम से निकाला गया है और इसे क्या बुलाया है ऑथर ने कुर्ग और अ पीस ऑफ हेवन कुर्ग इज नॉन इट्स स्पाइसिस कॉफी प्लांटेशन एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इट मीन कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लानेस एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्पाइसिज दीज फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ कुर्ग एंड द कॉफी प्लानेस आर फाउंड इन द प्राइम कॉर्नर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के प्राइम कॉर्नर पर कॉफी प्लानेस पाई जाती है और कुर्ग के थर्टी परसेंट एरिया को उसने कवर किया हुआ है फॉरेस्ट ने इसीलिए दिस प्लेस टीम्स विद ग्रीनरी टीम्स मींस फिल भरना कि यह प्लेस ग्रीनरी से भरा हुआ है द पीपल ऑफ़ कुर्ग आर अ मार्शल रेस एंड आर फियर्सली इंडिपेंडेंट कि जो वहाँ के लोग हैं कुर्ग के वो आर्मी ऑफिसर्स हैं और पूरी तरह से क्या हैं बहादुर हैं किसी से नहीं डरते However, they are very hospitable and are proud of their valor. Hospitable means आदर सत्कार करना और वेलर मीन्स बहादुर होना ब्रेव हैं कि वो अपनी बहादुरी पर उन्हें क्या है प्राउड है और हॉस्पिटेबल है दे ऑफ़न रिलेट द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव डीड्स ऑफ देयर फादर्स एंड सन्स अपने फादर और सन की बहादुरी के कार्यों की वो क्या करते हैं स्टोरी सुनाते हैं द इंडियन आर्मी हैज़ अ रेजीमेंट स्पेशली नेम्ड आफ्टर द कुर्गीज जो इंडियन आर्मी है एक रेजिमेंट है स्पेशली जो कि के, के नाम पर ही उसको रखा गया है इट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी यूनिट्स दैट गिव इंडिया हर फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल करियप्पा इट मीनस जो पहला फर्स्ट चीफ है आर्मी में वो कौन से हैं कुर्ग से ही बिलोंग करने वाला है जनरल करियप्पा ठीक है और मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है डेकोरेटेड का मीनिंग है कि हैविंग रिसिव्ड द अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रेवरी के लिए अवार्ड रिसीव किए हैं इन रिकगनाइजेशन ऑफ देयर वेलर कुर्गीज रिमेन द ओनली इंडियंस हु आर परमिटेड टू कैरी द फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस कि कुरगीज़ जो हैं वही केवल इंडियंस हैं जिन्हें बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स या हथियार रखने के लिए परमिशन दी गई है क्योंकि वह आर्मी जो है एक ऑनेस्ट आर्मी मानी जाती है लुक एट द थर्ड क्वेश्चन दैट इज फ्राम द थर्ड पार्ट टी फ्राम असम written by arup kumar datta describe the two legends related to the origin of tea there are two legends about the origin of tea one is a chinese legend while the other is an indian legend clear though legend hai chinese ek indian according to the chinese legend tea was discovered by a chinese emperor who always boiled water before drinking once a few leaves of the twigs burning under a pot fell into the water giving it a delicious flavor ki ek bar kuch leaves twigs ki twigs clear kuch tehni ki kuch leaves pot के अंदर गिर जाती हैं जिस boil हो रहा होता है और वो water को एक delicious फ्लेवर देती हैं दीज वर टी लिवस दैट लेटर बिकेम अ पॉपुलर बिवरेज इन चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यह टी लिव्स ही थी जो बाद में एक पॉपुलर बिवरेज बन जाती है चाइना में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अकॉर्डिंग टू द इंडियन लेजेंट अब इंडियन लेजेंट क्या कहती है अ बुद्धिस्ट असेटिक बौद्धि धर्मा हैड कट ऑफ हिज आई लेट्स बिकॉज ही फैल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन कि एक बार उसे मेडिटेशन करते हुए नींद आनी शुरू हो जाती है तो वो अपनी आईलिड्स को कट कर देता है टेन टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलिड्स। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स बैनिस्ड स्लिप वैंड ड्रंक आफ्टर पुटिंग दैम इन हॉट वाटर कि जब उससे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं आईलिड्स से और फिर जब वो उन टी लीव्स को हॉट वाटर के अंदर डालता है तो और उसको पिया जाता है तो उससे नींद गायब हो जाती है बैनिस्ड होना गायब हो जाना दस टी इज पोज टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाई चांस एंड वॉज़ फाउंड एज अ डिलीशियसली फ्लेवर्ड बेवरेज दैट हेल्प टू पुट अवे स्लीप क्लियर तो इस तरह से टी को क्या माना जाता है कि ये बाई चांस इसकी डिस्कवरी हो गई है और एक डिलीशियस फ्लेवर वाला बेवरेज है और स्लीप को क्या कर देता है गायब करने में या दूर भगाने में हेल्प करता है आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल द क्वेश्चन Keep learning, my children. Thank you.